नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा बाबा आमटे के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बार लाइक उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा नाम बाबा आमटे, जन्म 24 दिसंबर 1914 महाराष्ट्र, मृत्यु हुई थी इनकी 9 फरवरी 2008 महाराष्ट्र में हुई थी। ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनकी पढ़ाई क्रिश्चियन मिशन स्कूल नागपुर, नागपुर विश्वविद्यालय से हुई। शिक्षा इन्होंने MA LLB की है। इन्हें जो पुरस्कार मिले वो बता देता हूं, पद्मश्री 1971, राष्ट्रीय भूषण 1978, पद्म विभूषण 1986, मैक्सेस पुरस्कार 1988, बिरला पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार इत्यादि। योग्यता इनकी विशेष रही है, कुष्ठ रोगियों के लिए बाबा आमटे ने सर्वप्रथम 11 साप्ताहिक औषधालय स्थापित किए, फिर आनंद वन नामक संस्था की स्थापना की। आंदोलन, बाबा जी ने 1985 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 1988 में असम से लेकर गुजरात तक दो बार भारत जोड़ो आंदोलन चलाया। बाबा आमटे को बचपन में माता पिता बाबा नाम से पुकारते थे, इसलिए बाद में उनका नाम बाबा आमटे से प्रसिद्ध हो गया। बाबा आमटे विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, मुख्यतः कुष्ठ रोगी की सेवा के लिए विख्यात, परोपकारी, विनाश करता है, कार्य निर्माण करता है के मूल मंत्र से उन्होंने हजारों कुष्ठ रोगियों को गरिमा और साथ ही बेघर तथा विस्थापित आदिवासियों को आशा की किरण दिखाई दी। संक्षिप्त जीवन परिचय, विख्यात समाज सेवक बाबा आमटे का जन्म 24 दिसंबर 1914 ईस्वी को वर्धा महाराष्ट्र के निकट एक ब्राह्मण जागीरदार परिवार के यहां हुआ। पिता देवीदास हरबाजी आमटे शासक की सेवा में थे। उनका बचपन बहुत ही ठाट बाट से बीता। वे सोने के पालने में सोते थे और चांदी की चम्मच से उन्हें खाना खिलाया जाता था। बाबा आमटे को बचपन में माता पिता बाबा करके बुलाते थे, इसलिए बाद में उनका नाम बाबा आमटे से प्रसिद्ध हो गया। बाबा आमटे मन से सबके प्रति समान व्यवहार और सेवा की भावना बचपन से ही थी। 9 वर्ष के थे तभी एक अंधे भिखारी को देखकर इतने द्रवित हो गए कि उन्होंने ढेर सारा रुपया उनकी झोली में डाल दिया। विवाह, बाबा आमटे का विवाह भी एक सेवा धर्मी युवती साधना से विचित्र परिस्थिति में हुआ। बाबा आमटे की 2 संतान हुई, प्रकाश आमटे और विकास आमटे। बाबा आमटे ने MA LLB तक की पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई क्रिश्चियन मिशन स्कूल नागपुर में हुई और फिर उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई और कई दिनों तक वर्धा में वकालत करने लगे। परंतु जब उनका ध्यान अपने ताल्लुके के लोगों की गरीब की ओर गया तो वकालत छोड़ के वे कोढ़ी, चमर रोग, भंगी इनकी सेवा में लग गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त।